बिरपुरा पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा रोक दी गई है। लगातार बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड और इसी वजह से मानसरोवर यात्रा रोकी गई है। 40 यात्रियों को तो मालपा इलाके में ही रोक दिया गया है। 13 यात्री संकल इलाके में रोक दिए गए थे, लेकिन इन सभी यात्रियों को बूंदी इलाके में इससे पहले भी लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से रोका गया था। अब ऐसे में एहतियात बरतने की सलाह भी लोगों को दी जा रही है और इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई रास्ते पूरी तरह से बंद है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ की, जहां मानसरोवर यात्रा भी अब रोक दी गई है। पिथौरागढ़ की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से लोगों के लिए दिक्कतें वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 8,50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया, साथ ही नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित जगह भेजने को कहा गया। नदी के किनारे के खेतों में भी किसानों को न जाने की सलाह दी गई। राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में भी बाढ़ का खतरा है। 2019 के बाद इतना पानी यमुना में हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है। माना जा रहा है कि हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी अगले 36 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा, और अगर ये दिल्ली पहुंचता है तो यहाँ पर भी दिक्कतें लोगों के लिए बढ़ेंगी। साथ ही साथ रास्ते के और जो गांव और इलाके पड़ते हैं उनके लिए भी दिक्कतें लोगों की बढ़ने वाली हैं। यमुना के किनारे बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निचले इलाकों का खतरा इसी के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से ये पानी छोड़ा गया है, 8,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण आप समझिए कि अगर ये पानी निचले इलाकों तक पहुँचता है, गाँवों तक पहुँचता है, जो स्तर है जल का वो कितना बढ़ जाएगा, और जल के स्तर के बढ़ने के साथ साथ लोगों की समस्याएं, दिक्कतें, उनके लिए खतरा बढ़ेगा, और ऐसे में लोग डरे सहमे जरूर हैं। कुछ लोग अपने तरीके से ही सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते हुए निकल गए हैं, कुछ लोग अभी भी वहां पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल स्तर जो है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो और उनके लिए राहत आए। यमुनानगर से हमारे साथ मोहित सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, जरा स्थिति वहां पर बताइए कि क्या स्थिति है, और जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है 8,00,000 क्यूसेक पानी, ये दिल्ली में या उसके आगे कहीं पहुंचेगा तो स्थिति क्या बन सकती है? जी बिल्कुल, स्थिति क्या है वो आपको तस्वीरें देखेंगी, हमारे दर्शक तस्वीरें देखेंगे, उससे साफ हो जाएगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि रविवार को ही हथनी कुंड बैराज से 8,50,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, और अभी भी आप ये सामने देखिए हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खुले हैं और ये पानी जो है ये आगे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पानी लगातार हिमाचल में जो बरसात हो रही है, हिमाचल से काफ़ी पानी नीचे आ रहा है यमुना नदी में, और अगर पानी यहाँ पर इकट्ठा करने का जो जगह है वो काफ़ी जो कम है, और वहाँ पर कहीं जल स्तर बढ़ जाता है तो ये गेट खोल दिए जाते हैं। सामने देखिए आपको कुछ गेट्स दिखाई देंगे, हथनी कुंड बैराज के सभी गेट ये खोल रखे गए हैं और पानी जो है लगातार आगे छोड़ा जा रहा है। यहीं से पानी करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में जो यमुना के निचले इलाके हैं वहां पर अभी जो पहले पानी छोड़ा गया है, जो कि 8,50,000 क्यूसिक है, रविवार को ये पानी छोड़ा गया था और ये रिकॉर्ड पानी था, यानी आज तक हथनी कुंड बैराज से 8,50,000 क्यूसिक पानी कभी नहीं छोड़ा गया, जो कि रविवार को छोड़ा गया था, और अभी भी ये गेट लगातार खोल कर रखे गए हैं। अब से थोड़ी देर में एक और आंकड़ा सामने आएगा कि अब कितना और पानी यमुना में छोड़ा जा चुका है। इसी वजह से करनाल में कई ऐसे गांव हैं जो कि यमुना नदी के किनारे सटे हुए हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा जो पानीपत है वहां पर भी जो यमुना नदी का जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पर गाँवों में पानी घुस चुका है, फसलें बह चुकी हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जो हैरान हैं यमुना की इस तरह की तस्वीरें देखकर। आप बताइए, यमुना का ऐसा रौद्र रूप पहले आपने देखा कभी? नहीं सर, ऐसा नहीं देखा, बहुत दिनों बाद पानी आया है, ऐसे देख के नहीं। अभी लगातार ये गेट खोले गए हैं तब भी पानी कम नहीं हुआ? ना कम नहीं हुआ, अभी फुल पानी चल रहा है। तो आपके यमुनानगर के आसपास के जो यमुना से सटे हुए गांव है उनका क्या हाल है, वहाँ भी पानी आ गया? हाँ, पानी आ जाएगा, वहाँ लग गया होगा, लगा गाँव में पानी आ गया होगा बहुत। तो स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इतनी बरसात जी किस तरह से हो रही है, और आप देखिए पानी की रफ्तार से आप अंदाजा लगाइए कि लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है वो इस हथनी कुंड बैराज से होते हुए आगे जा रहा है। करनाल से हमारे पास खबर है कि करनाल में यमुना सटे हुए गाँव डूब चुके हैं, पानीपत में ये जो यमुना नदी का पानी है वो लगातार पहुंचना शुरू हो चुका है, यमुना उफान पर है। बिल्कुल, तो ये स्थिति है, ये तस्वीरें हैं जो कि अपने आप में दिखा रही हैं कि हथनी कुंड बैराज में क्या हालात हैं। जी,
तो मोहित, हथनीकुंड बैराज का ये जो पानी छोड़ा गया है, सबसे ज्यादा चिंता बढ़ रही है दिल्ली और आसपास के इलाके में लोगों की, जो खासतौर पर यमुना किनारे बसे हुए हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी ऐसे इलाके में मौजूद हैं। जावेद, 8.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है, ऐसे में जब सिविल डिफेंस के लोग भी लोगों को अलर्ट कर रहे थे, क्या ताजा हालात बने हुए हैं यमुना किनारे? देखिए प्रशांत, अभी इस वक्त जहां मौजूद हैं हम बोट क्लब पर मौजूद हैं, जहां से बोट निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां से हम तस्वीर आपको दिखाएं, यमुना किस तरह से उफन रही है, जो तेज़ बहाव के साथ निकल रही है। सुबह 9 बजे का अगर आपको बताएं, जो जलस्तर है वो 204.70 है और लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है। आप देखेंगे जो यमुना का बहाव है वो तेज़ हो चुका है, और यमुना के किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ऊपरी इलाकों में जाने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन उनके लिए कैंप भी बनवा रहा है जहां उनको शिफ्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल यहां से जिस बोट में हम मौजूद हैं, थोड़ी देर में ये बोट यहां से निकलेगी, जो नज़र रखेगी यमुना किनारे जितने भी लोग रहते हैं, और साथ ही मुनादी भी एक तरह से ये लोग करते हैं कि सावधान हो जाएं। फिलहाल पूरी तरह से जो प्रशासन है वो नज़र बनाए हुए है, और जो प्रशासन ने कहा है वो कहा है कि जो खतरे का निशान है वो आज पार हो सकता है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, और इससे ज़्यादा यानी 207 मीटर तक ये जलस्तर पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि यमुना किनारे जितने भी जो इलाके हैं वो डूब सकते हैं, उनमें पानी पहुंचेगा, और लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी अपनी तरफ से किए हुए है, लेकिन लगातार तेजी के साथ जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जी मोहित, देखिए ये जब अभी 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है तो स्थिति ऐसी भयावह हो सकती है दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर। आप बता रहे थे अभी कुछ और भी अपडेट इस पर आ सकता है, कुछ और क्यूसेक पानी है जो छोड़ा जा सकता है, क्या ऐसी भी सूचना है अभी? देखिए रविवार का जो एक सरकारी जो आंकड़ा दिया गया था उसमें बताया गया था कि 8,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जो कि अब तक हथनीकुंड बैराज का जो इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा छोड़ा गया पानी है, यानी इतनी बरसात हो चुकी है। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने आप देखिए, आपको जो पहाड़ी इलाका दिखाई देगा, ये पहाड़ी इलाका जो है वो हिमाचल का है, और वहीं पर पहाड़ों में आप देखिए जो बादल हैं वो काफ़ी नीचे हैं, लगातार वहाँ पर बरसात हो रही है, पहाड़ों पर पानी टिक नहीं सकता तो वो पहाड़ी नदियों के माध्यम से नीचे आ रहा है। ये नदियाँ नाले आगे आकर यमुना में मिल रहे हैं, और यमुना आप देखिए आमतौर पर अगर आप यहाँ पर आएंगे गर्मी के दिनों में, अप्रैल मई जून में, तो यहाँ पर आपको सूखा दिखाई देगा, और आप अगर उन तस्वीरों के साथ इन तस्वीरों को कंपेयर करेंगे तो सभी लोग हैरान हो रहे हैं कि क्या यमुना भी इतना रौद्र रूप दिखा सकती है, यमुना में भी इतना पानी आ सकता है। हथनीकुंड बैराज की भी अपनी कैपेसिटी है, इसी वजह से देखिए सामने जो गेट्स हैं वो खोले गए हैं और पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। यानी जो 8,50,000 क्यूसिक पानी की हम बात कर रहे हैं वो तो रविवार को छोड़ा गया है, जो 48 से 72 घंटे तक दिल्ली के निचले इलाकों में पहुंचेगा, लेकिन आज जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका अभी आधिकारिक आंकड़ा ऑफिशियल फिगर थोड़ी देर में आएगा, उसके बाद ही मैं आपको अपडेट बता पाऊंगा। हाँ। लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो हालात पर नज़र रख रहा है, अगर हथनीकुंड बैराज के गेट नहीं खोले जाते हैं तो ऐसे में जो पीछे का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, वहाँ पर तबाही आ सकती है। तो स्थानीय प्रशासन की भी मजबूरी है, हथनीकुंड बैराज पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी भी मजबूरी है, वो बार बार गेट खोल रहे हैं, पानी को आगे निकाल रहे हैं, लेकिन ये पानी आगे बढ़कर करनाल, पानीपत, सोनीपत और खासतौर पर दिल्ली के निचले इलाकों में काफी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिल्कुल मोहित, जैसे कोई अपडेट होगा तो हम आएंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जावेद भी हमारे से जुड़े थे, जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मोहित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हथनीकुंड बैराज का यह पानी छोड़ा गया है, हिमाचल के कुछ इलाकों में इससे दिक्कत और बढ़ सकती है, ऐसे में तब ये एक बड़ी दिक्कत होगी, जबकि अब तक लगातार कई मुसीबत में लोग घिरे नजर आ रहे हैं, खासतौर पर ब्यास नदी के किनारे बसे हुए। मंडी के आसपास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ब्यास नदी का पानी एक मंदिर के पार्किंग में भर गया, और नदी का पानी भरने से उसमें एक कार भी डूब गई। हालांकि